बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास वन स्टूडेंट्स, अपनी मैथ की बुक निकालिए, पेज नंबर 65 निकालिए। पेज नंबर 65 पर आप लोग डेट डालिए, सी वर्क लिखिए, क्वेश्चन देखिए। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। सना हैड 6 कैंडीज, शी गेव 3 कैंडीज टू कोमल, हाउ मैनी कैंडीज वर लेफ्ट। सना के पास 6 कैंडीज हैं, ठीक है, उसने कोमल को 3 दे दी। आप कह रहे हैं कि सना के पास कितनी कैंडीज बचेंगी। सॉल्यूशन देखें, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज 6, नंबर ऑफ कैंडीज गिवन कितनी दी थी उसने 3, ठीक है। अब बचेंगी कितनी, 6 में से आप लोग 3 माइनस कर दें तो 3 बचेंगी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, देयर वर 49 कैंडल्स, 27 कैंडल्स बर्न आउट, हाउ मैनी कैंडल्स वर लेफ्ट। कैंडल्स यानी मोमबत्ती जो हैं कितनी है, 49, और 27 जो हैं जला ली हैं। अब कह रहे हैं कि कितनी बची। देखें, 49 ऊपर लिखेंगे, 27 आप लोग नीचे लिखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज, नंबर ऑफ कैंडल्स बर्न आउट, ठीक है। 9 में से 7 माइनस करें क्या बचेगा, 2। 4 में से 2 माइनस करें क्या बचेगा, 2, ठीक है। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, देयर आर 28 मैंगोज इन अ ट्रे, एक ट्रे है उसमें मैंगोज कितने हैं, 28। 7 मैंगोज आर इटन, हाउ मैनी मैंगोज आर लेफ्ट। कह रहे हैं 7 मैंगो जो हैं यानी 7 आम खा लिए हैं, अब कह रहे हैं कितने बचे। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, टोटल मैंगोज कितने हैं, 28। नंबर ऑफ मैंगोज 18, कितने खा लिए हैं, 7। अब माइनस करें, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, और 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है। समझ में आए वर्ड प्रॉब्लम। हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। अब हम अगली क्लास में वर्क करेंगे। जज़ाकअल्लाह, खुदा हाफ़िज़।